आप सभी लोगों का टीएन नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं पीडियाट्रिक के अंदर नॉर्मल ग्रोथ के रिगार्डिंग। नॉर्मल ग्रोथ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है दोस्तों। तो टीएन नर्सिंग क्लासेस पे यदि आप नए हैं तो टीएन नर्सिंग क्लासेस को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। चलिए बिना किसी देरी के नॉर्मल ग्रोथ के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो नॉर्मल ग्रोथ क्या होती है दोस्तों? ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ इंक्रीज इन साइज, साइज के अंदर बढ़ना, फिजिकल साइज के अंदर बॉडी का विकास होना, वो क्या कहलाता है? ग्रोथ कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे एम्ब्रियो किसे कहते हैं। एम्ब्रियो, व्हाट इज एम्ब्रियो? एम्ब्रियो फर्स्ट 8 वीक, शुरुआत के जो 8 वीक होते हैं बच्चे के, जब वह इंट्रायूटरन लाइफ में होता है, बाहर नहीं, इंट्रायूटरन जब लाइफ में होता है, शुरुआत के जो 8 वीक होते हैं उस समय को हम एम्ब्रियो पीरियड कहते हैं। ठीक है, भ्रूण, भ्रूण का समय कहते हैं, हिंदी में भ्रूण कहते हैं एम्ब्रियो को। और यह पीरियड ऑर्गेनोजेनेसिस का होता है दोस्तों। ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब होता है इसके अंदर हार्ट, लीवर, किडनी, ब्रेन, जो भी है, सारे ऑर्गन्स का ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, वह बनते हैं इस समय, फॉर्मेशन होता है। और इस समय यदि मदर किसी भी प्रकार से ऐसी अनप्रिस्क्राइब्ड ऐसी मेडिसिन ले लेगी तो उससे क्या होगा, कोई टेराटोजेनिक इफेक्ट शो हो सकते हैं। क्लियर है? जैसे कि आपने काफ़ी ड्रग्स पढ़ी होंगी, वारफेरिन, ये सब ड्रग्स क्या करती हैं, कोई ना कोई डिफेक्ट कर सकती हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है फिटस। फिटस किसे कहते हैं? रेस्ट ऑफ इंट्रायूटरन लाइफ फ्रॉम 9 वीक्स, 9 वीक के बाद के जो समय होता है, जब तक बच्चा डिलीवरी नहीं हो जाता तब उस समय तक का पीरियड फिटस कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? फिटस कहते हैं। नेक्स्ट है नियोनेट। फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ, जीवन के जो शुरुआत के 28 दिन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उस बच्चे को नियोनेट कहा जाता है। नेक्स्ट है इन्फेंट। इन्फेंट किसे कहते हैं दोस्तों? फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, जो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ होती है उसे क्या कहते हैं, इन्फेंट कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट बर्थडे जब आता है तब तक उस पीरियड को हम इन्फेंट कहेंगे। नेक्स्ट है टोडलर, 1 to 3 ईयर, 1 से 3 साल के बच्चे को टोडलर कहा जाता है। और टोडलर से दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इस टोडलर के बारे में जो नॉर्मल डेवलपमेंट, नॉर्मल ग्रोथ के रिगार्डिंग, ये सब आपको पढ़ के जाना है। और जो आपकी जो थ्योरियाँ हैं साइकोसेक्सुअल, ठीक है, वो भी आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। ओरल एनल फेल, इन सब में भी एनल फेज, ओरल फेज, यहाँ पे भी टोडलर का जिक्र होता है, तो उन सभी तमाम पॉइंट्स को आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है प्री स्कूल। प्री स्कूल की बात करें तो 3 to 6 ईयर के बच्चे को क्या कहते हैं, प्री स्कूलर बच्चा कहा जाता है। नेक्स्ट है एडोलसेंट। एडोलसेंट 10 to 19 ईयर, 10 से 19 साल के बच्चे को किस में आ जाते हैं, एडोलसेंट में आ जाते हैं। तो ये सभी के सभी फिटस, नियोनेट, एम्ब्रियो, इन्फेंट, टोडलर, प्री स्कूल, एडोलसेंट, ये बेसिक्स हैं पीडियाट्रिक के। ये आप 3rd ईयर से ही पढ़ लेते हैं जब आप बीएससी नर्सिंग करते हैं। बात करेंगे आगे ग्रोथ असेसमेंट। ग्रोथ, बच्चे की ग्रोथ असेसमेंट कैसे करोगे? एंथ्रोपोमेट्रिक पैरामीटर के थ्रू। एंथ्रोपोमेट्रिक पैरामीटर्स क्या होते हैं? ऐसे पैरामीटर्स जिसके अंदर आप बच्चे की वेट चेक करोगे, हाइट, यू असेस हेड सर्कमफेरेंस, यू आल्सो असेस मिड आर्म सर्कमफेरेंस, स्किन फोल्ड थिकनेस, स्किन की मोटाई चेक करोगे, चेस्ट सर्कमफेरेंस, छाती को आप उसको नापोगे चेस्ट कैसी है। जैसे आप आर्मी में कभी आपने फिजिकल किया हो तो वहाँ पे भी चेस्ट सर्कमफेरेंस चेक करते हैं ना, उसी तरह बच्चे का भी जन्म के समय चेस्ट सर्कमफेरेंस आप चेक कर रहे हो। बच्चे का बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, इसका फॉर्मूला आप पढ़ते हो, वेट इन केजी और हाइट इन मीटर स्क्वायर, ये क्वेश्चन आया हुआ है बॉडी मास इंडेक्स का। तो ये सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, इन्हें एंथ्रोपोमेट्रिक पैरामीटर्स कहते हैं। तो ये ग्रोथ असेसमेंट के अंदर हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे रैपिड डिवीजन है दोस्तों। आप इस क्लास को स्पीड बढ़ा के हर एग्जाम से पहले एक बार जरूर वॉच करें। ये सभी नॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं, इनमें हल्की से भी गलती हो गई तो आप गलत ऑप्शन पे चले जाओगे। मिड आर्म सर्कमफेरेंस क्या होता है? MAC, मिड आर्म सर्कमफेरेंस,
ये 5 साल से छोटे बच्चों के लिए होता है। इस 5 साल से छोटे बच्चों के अंदर चेक किया जाता है कौन सी टेप के थ्रू, साकिर टेप के थ्रू। इस टेप का नाम क्या है, साकिर टेप है। ये इमेज के अंदर आपकी शो हो रही है, जिसके अंदर 3 कलर कोड है, ग्रीन, येलो, रेड। ठीक है, इस तरह से कलर कोड होते हैं साकिर टेप के अंदर। यदि रेड है तो रेड के अंदर यहाँ पे मार्किंग्स भी होती हैं, इसके ऊपर यहाँ पे मार्किंग्स होती हैं, क्लियर है। तो ये देखो यहाँ पे रेड के अंदर 11 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 11 less than 11.5 सेंटीमीटर है तो सीवियर, ठीक है। इधर की तरफ यदि जाएगा तो बच्चा सीवियरटी की तरफ चला जाएगा। नेक्स्ट है ऑरेंज की बात करें, 11.6 से 12.4, ठीक है। इस ये इतना सा ये है यहाँ पे, ये ऑरेंज आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है येलो, 12.5 to 13.5, ठीक है, 12.5 to 13.5 ये येलो के जोन के अंदर आता है। और ग्रीन मोर देन 13.5, ये इधर इस साइड मोर देन 13.5, ये ग्रीन जोन नॉर्मल में आता है। तो आप बेसिकली याद रखो, ग्रीन जोन नॉर्मल होता है, रेड जोन सीवियर होता है, येलो क्या होता है, बीच का नॉर्मल न्यूट्रिशन होता है। नेक्स्ट है फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, शुरुआत के जो 1 साल का बच्चा होता है उसके अंदर मिड आर्म सर्कमफेरेंस कितना सेंटीमीटर का होता है, 11 से 16 सेंटीमीटर मिड आर्म सर्कमफेरेंस होता है नॉर्मली। नेक्स्ट 1 to 5 ईयर, 1 से 5 साल के बच्चे का 16 to 17 सेंटीमीटर नॉर्मल मिड आर्म सर्कमफेरेंस होता है, ठीक है। मिड आर्म सर्कमफेरेंस क्या होता है, जैसे ये इस तरह से ये एल्बो हो गई, यहाँ पे ये आर्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इस टेप को इस तरह से मेजर करते हैं रख के, ठीक है। ये ऊपर शोल्डर हो गया, इधर क्लेविकल बोन हो गई ये, ठीक है, या नेक बना दो इस तरह से, ठीक। तो ये बच्चे का जो हाथ है तो यहाँ पे इसको रखा जाता है इस तरह से चारों तरफ से, फिर इस टेप से मेजर करते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे रैपिड डिवीजन एट टी नर्सिंग क्लासेस पे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। स्किन फोल्ड थिकनेस, स्किन फोल्ड थिकनेस क्या होता है, डिवाइस, इसके लिए एक डिवाइस यूज़ किया जाता है जिसका नाम है हरपेंडन कैलिपर। क्या नाम है, हरपेंडन कैलिपर, इस तरह का डिवाइस है। इसके ऊपर ये मीटर लगा हुआ है जिससे कि मेजर करना है, ठीक है। ये मसल्स को पकड़ने के लिए, ग्रैप्स करने के लिए आगे की तरफ इसके 2 पॉइंट हैं। तो ये सबक्यूटेनियस फेट को चेक करने के लिए, ठीक है। और खास से ट्राइसेप्स, जहाँ ट्राइसेप स्किन होती हैं वहाँ पे इससे मेजर करते हैं, ट्राइसेप स्किन को पकड़ के चेक किया जाता है। तो 16 साल तक के एज के बच्चे के लिए आप स्किन फोल्ड थिकनेस चेक कर सकते हैं। यदि मोर देन 10 mm है, यदि मोर देन 10 mm है ट्राइसेप की जो सबक्यूटेनियस फेट है, यदि वह फोल्ड मोर देन 10 mm आ रहा है तो मतलब नॉर्मल है। और लेस देन 6 mm, यदि लेस देन 6 mm यदि रहता है तो सीवियर माना जाएगा, ठीक है। और अदर कौन से एरिया जहाँ से आप चेक कर सकते हैं, सुप्रा स्केपुलर एरिया, सब स्केपुलर एरिया, बाइसेप, ट्राइसेप, ये सारे के सारे एरिया हैं जहाँ से आप स्किन फोल्ड थिकनेस चेक कर सकते हैं। शॉर्ट में इसको SFT भी बोल सकते हैं, स्किन फोल्ड थिकनेस, हरपेंडन कैलिपर। ये इमेज है हरपेंडन कैलिपर का। दोस्तों अपनी क्लास में उन्हीं पॉइंट पे बात की जाती है जो एग्ज़ाम में आपके डायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे, तो अपने नोट्स जरूर से ज़रूर प्रिपेयर करें। नेक्स्ट है चेस्ट सर्कमफेरेंस। चेस्ट सर्कमफेरेंस कहाँ से चेक किया जाता है, एट द लेवल ऑफ निप्पल्स। आर्मी में गए होंगे तो चेस्ट सर्कमफेरेंस चेक किया गया होगा। जो भी मेल या फीमेल जाते हैं आर्मी के अंदर 12th के बाद में, तो चेक करते हैं वहाँ पे चेस्ट का सर्कमफेरेंस मिड अवे बिटवीन। इसी तरह बच्चे के अंदर भी चेक कर रहे हैं इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। क्या बोला जाता है, जब भी चेस्ट सर्कमफेरेंस कब चेक करते हैं, जब बच्चा सांस ले लिया और सांस छोड़ दिया उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है, ठीक है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के बीच के समय में हम क्या करते हैं, चेस्ट सर्कमफेरेंस करते हैं। यदि इंस्पायर खूब एयर को अंदर लेके फिर करेंगे तो चेस्ट सर्कमफेरेंस ज़्यादा आएगा, ठीक है। और यदि फुली एक्सपायर करके फिर यदि आप करोगे तो क्या होगा, चेस्ट सर्कमफेरेंस कम आएगा। इसलिए मिड वे में, बीच में, बीच के समय में आपको लेना है, और निप्पल्स के लेवल पे
ठीक है। निपल्स कौन से लेवल पे होते हैं? फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे होते हैं, ठीक है, ये याद रखना आप, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे लेवल पे आपके निप्पल होते हैं, वहीं से आप क्या करते हैं, चेस्ट सर्कमफेरेंस चेक करते हैं। नेक्स्ट है एट बर्थ, बर्थ के समय हेड सर्कमफेरेंस ज़्यादा होता है, कहने का मतलब बच्चे का हेड हेड की साइज ज़्यादा होती है और चेस्ट सर्कमफेरेंस, जो ये चेस्ट सर्कमफेरेंस अपन पढ़ रहे हैं, ये कम होता है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर कम होता है। कहने का मतलब है, जैसे कि मान लो 32 सेंटीमीटर क्या है, 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर क्या है, चेस्ट सर्कमफेरेंस है, तो हेड सर्कमफेरेंस कितना होगा, 35, ठीक है, तो 2 से 3 सेंटीमीटर का डिफरेंस रहता है, क्लियर है, हेड और चेस्ट सर्कमफेरेंस में। और 9 मंथ का जब बच्चा हो जाता है, 9 मंथ से 1 ईयर का, तो दोनों इक्वल हो जाते हैं, दोनों हेड और चेस्ट सर्कमफेरेंस दोनों इक्वल हो जाते हैं 9 मंथ टू 1 ईयर पे। नेक्स्ट है मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर जब 1 साल से बड़ा हो जाता है बच्चा, तो चेस्ट सर्कमफेरेंस बच्चे की जो छाती है वो बड़ी हो जाती है, और किसके मुकाबले, हेड के मुकाबले, फिर हेड की साइज ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती है 1 साल के बाद में, फिर चेस्ट इंक्रीज होगी, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चेस्ट सर्कमफेरेंस से ये क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों, ये पहला ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है कि एट बर्थ क्या रहता है, हेड सर्कमफेरेंस ज़्यादा रहता है किसके कंपैरिजन, चेस्ट के, कितना सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। आगे बात करेंगे हेड सर्कमफेरेंस के रिगार्डिंग, चेस्ट सर्कमफेरेंस हो गया, हेड सर्कमफेरेंस को और किस नाम से जानते हैं, ऑक्सीपिटो फ्रंटल सर्कमफेरेंस, क्योंकि जब आप चेक करोगे आपके हेड पे आप टेप लगाओगे तो वो ऑक्सीपिटो और फ्रंटल एरिया को कवर करनी चाहिए वो टेप, क्लियर है, और वो टेप कैसी होगी, नॉन स्ट्रेचेबल होगी, वो स्ट्रेच नहीं होनी चाहिए, खिंचनी नहीं चाहिए, और उस पे MM के अंदर मार्किंग होती है उस टेप के अंदर, क्लियर है, और ये ब्रेन ग्रोथ को इंडिकेट करती है, जैसे अगर अच्छे से नहीं होगा हेड सर्कमफेरेंस इंक्रीज नहीं होगा तो माइक्रोसिफेली हो सकता है, ठीक है, बच्चे का हेड क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो ब्रेन ग्रोथ भी नहीं होगी। एट बर्थ, बर्थ के समय हेड सर्कमफेरेंस कितना होता है, 34 सेंटीमीटर, ठीक है, और रेंज में यदि आपसे पूछ लिया जाए तो 33 से 35 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों कि नॉर्मल हेड सर्कमफेरेंस कितना होता है, 34 यदि एवरेज वैल्यू पूछी जाए, और रेंज में यदि क्वेश्चन आता, ऑप्शन दिए हुए आपको 33 से 35 सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फर्स्ट 3 मंथ्स, शुरुआत के 3 मंथ्स जब होते हैं बच्चे के बर्थ के बाद में, तो 2 सेंटीमीटर पर मंथ इंक्रीज होती है हेड सर्कमफेरेंस, 2 सेंटीमीटर पर मंथ इंक्रीज होगी, और नेक्स्ट जो और एट 3 मंथ्स, 3 मंथ्स पे कितनी हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर का हेड सर्कमफेरेंस हो जाता है बच्चे का 3 मंथ्स पे, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट 3 मंथ, अब जैसे ही शुरुआत के 3 महीने में 40 सेंटीमीटर का हो गया बच्चे का हेड सर्कमफेरेंस, फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स में 1 सेंटीमीटर पर मंथ इंक्रीज होगी, ठीक है, देखो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में ज़्यादा इंक्रीज होती है, 2 सेंटीमीटर पर इंक्रीज हो रही है, फिर वह नेक्स्ट 3 मंथ में 1 सेंटीमीटर पर मंथ इंक्रीज होती है, और 6 मंथ पे कितनी हो जाएगी, ये 43 सेंटीमीटर हो जाती है, क्लियर है। फिर है नेक्स्ट 6 मंथ, नेक्स्ट 6 मंथ में ये 0.5 सेंटीमीटर पर मंथ इंक्रीज होती है, ठीक है, और 8-12 मंथ, अब ये 12 महीने का हो गया बच्चा, तो ये 46 सेंटीमीटर का बच्चे का हेड सर्कमफेरेंस हो जाता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट 1 ईयर, अब बच्चे का 1 साल के बाद में, तो इंक्रीज इन 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर बढ़ती है, तो 8-2 ईयर, पूरे साल के अंदर 2 सेंटीमीटर हेड सर्कमफेरेंस बढ़ती है 1 साल के बाद में, जब 2 साल का बच्चा होता है तो 48 सेंटीमीटर, 2 साल के बच्चे का 48 सेंटीमीटर हेड सर्कमफेरेंस हो जाता है, और जब बच्चा 12 साल का हो जाता है तो एडल्ट की साइज के बराबर हो गया 8 52 सेंटीमीटर, नॉर्मल जो होता है 52 सेंटीमीटर, वहाँ तक ये पहुँच गया, क्लियर है। अब आगे बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इनको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, आप एक बार पढ़ लिया आपने, अपने अपने क्या क्या नोट्स में भी लिख लिया, बट दोबारा आपने कभी इसको यदि देखा ही नहीं एक बार भी उठा के, तो एग्ज़ाम में गलती करने के श्योरली चांस हो जाते हैं, तो एक बार रैपिड रिवीजन ज़रूर करना है एग्ज़ाम से पहले। नेक्स्ट है साइज ऑफ ब्रेन, 8-1 मंथ, जब बच्चा 1 मंथ का होता है तो उस समय 36% एडल्ट की साइज के बराबर हो जाता है,
जब बच्चे 1 साल का होता है तो 72% एडल्ट की साइज के बराबर हो जाता है, और 2 साल पे कितना हो रहा था, 48 सेंटीमीटर, तो 85% मतलब वो एडल्ट की साइज के 85% हो चुका है। क्लियर है। आगे बात करते हैं नॉर्मल डेंटिशन के बारे में भी, कि जो बच्चे के दांत होते हैं, टीथ होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं दोस्तों। तो प्राइमरी टीथ होते हैं जिनको मिल्क और टेम्परेरी टीथ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जो झड़ते हैं, डेसीडियस टीथ भी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? डेसीडियस टीथ भी यहाँ लिख लो आप, यहाँ पे आप ऐड कर लो कि इनको डेसीडियस टीथ भी कहते हैं, क्योंकि जो झड़ने वाली चीज़ होती है उसको डेसीडियस वर्ड यूज़ किया गया है। जिस तरह प्रेगनेंसी के समय एंडोमेट्रियम झड़ जाती है बाद में, या मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, तो उसको डेसीडुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? डेसीडुआ। सेकेंडरी डेंटिशन मतलब दोबारा जो दांत आते हैं उनको परमानेंट टूथ भी कहते हैं। क्लियर है। तो बिगेंस कब आते हैं? जो टेम्परेरी टीथ होते हैं बच्चे के, जो मिल्क दूध या दांत होते हैं, वो कब आते हैं? 6 से 7 महीने पे। बच्चा जब 6 से 7 महीने का हो जाता है तब आते हैं। और कौन से दांत आते हैं? सबसे पहले लोअर सेंट्रल इंसीजर। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि कौन कितने बच्चे पे कितने महीने का हो जाता है, तब उसके अंदर सबसे पहले टीथ आता है 6 से 7 महीने का। जब वो हो जाता है तो उसके बिगिन स्टार्ट होते हैं मिल्क वाले टीथ आना, ठीक है, और लोअर सेंट्रल इंसीजर सबसे पहले आते हैं, इंसीजर, ठीक है, जो नीचे के दांत होते हैं सेंट्रल में उन्हें इंसीजर कहते हैं। नेक्स्ट है, सबसे लास्ट में कौन सा आता है बच्चे के अंदर? सेकंड मोलर। सेकंड मोलर आता है, फिर उसके बाद में कोई दांत नहीं आता। क्लियर है। और ये 2.5 से 3 साल तक आते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। और टोटल नंबर कितने होते हैं बच्चों के अंदर टीथ? 20। कितने होते हैं? 20 होते हैं, ये आप याद रखना अच्छे से, 20 होते हैं। नेक्स्ट है, परमानेंट की बात करें तो 6 ईयर पे जब बच्चा 6 साल का हो जाता है तब परमानेंट टीथ आना स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले कौन सा आता है? मोलर। फर्स्ट मोलर आता है सबसे पहले, और लास्ट में थर्ड मोलर आता है, जिसे विजडम टीथ भी कहते हैं। कौन सा टीथ कहते हैं? विजडम टीथ जिसे कहते हैं, ठीक है। और 12, जब बच्चा 12 साल का हो जाएगा तब पूरे दांत आ जाएंगे उसके परमानेंट, एक्सेप्ट एक को छोड़ के, थर्ड मोलर। थर्ड मोलर कब आता है? 18 से 25 साल का जब बच्चा हो जाता है तब उसके, इसको अक्कल दाढ़ भी कहते हैं, ठीक है। तो अक्कल कब आती है? जब बच्चा 18 से 25 साल का हो जाता है तब समझ लिया जाता है कि अब ये समझदार हो गया। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ टीथ, तो अब ये 28 से 32 दांत होते हैं किसके अंदर? एडल्ट के अंदर। हम 32 पढ़ते हैं, नॉर्मल कितने होते हैं एडल्ट के अंदर? 32, अगर वन वैल्यू आपसे पूछी जाए, और बच्चों के अंदर 20। क्लियर है। तो ये नॉर्मल डेंटिशन के रिगार्डिंग है, बच्चों के अंदर दांत कब आते हैं, कौन सा चालू होता है, लास्ट में कौन सा आता है, कितने साल तक आ जाते हैं कंप्लीट, परमानेंट कितने साल तक कंप्लीट आ जाते हैं? 12 साल तक होते हैं। लास्ट में थर्ड मोलर आता है, स्टार्टिंग में फर्स्ट मोलर आता है, इधर लोअर सेंट्रल इंसीजर पहले आता है बच्चे के अंदर। इस तरह से ये तमाम ऐसे पॉइंट है जहाँ से हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट बात करेंगे एबनॉर्मल डेंटिशन। अब बच्चे के अंदर दांत एबनॉर्मल भी हो सकते हैं, डिले भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, यदि वह मिल्क वगैरह, कैल्शियम डाइट, विटामिन डी, ये सब उसको अच्छे से नहीं मिलेगा तो डिले भी हो सकता है। वैन नो टूथ इरप्ट्स बाई दी एज ऑफ 13 मंथ्स, बच्चे के 6 महीने पे स्टार्ट हो जाते हैं दांत आना, बट 13 मंथ तक, कहने का मतलब 1 साल और 1 महीने तक भी यदि कोई दांत नहीं आता है तो उसे क्या कहेंगे? डिले डेंटिशन कहेंगे। क्लियर है। तो एक कंडीशन और पढ़ते हैं आप, हचिसन टीथ। हचिसन टीथ इसमें क्या होता है? नोच हो जाता है इंसीजर के यहाँ पे, देखो ये इस इमेज में दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या है? नोच है, बीच में एक स्पेस सा बन गया है इंसीजर्स के यहाँ पे। क्लियर है। जैसे ये इंसीजर मैंने बनाया, यहाँ पे ये इस तरह से नोच हो गया इसके, फिर ये बगल वाला इंसीजर, फिर इसके भी यहाँ पे ऐसे नोच बन गया, बीच में ये नोच बन गया, तो ये इसे हम क्या कहते हैं? हचिसन टीथ कहते हैं। ये कंजेनाइटल सिफिलिस के अंदर देखने को मिलता है। किसमें? कंजेनाइटल सिफिलिस। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कंजेनाइटल सिफिलिस में किस कौन से टीथ देखने को मिलते हैं? हचिसन टीथ। क्लियर है। और इस हचिसन ट्राइड भी होता है सिफिलिस के अंदर, तो इसमें हचिसन टीथ देखने को मिलते हैं। इंटरस्टीशियल केराटाइटिस हो जाता है, ठीक है, और 8
नर्व डीपनेस एर्थ क्रेनियल नर्व को इफेक्ट करता है। एर्थ क्रेनियल नर्व को किस नाम से जानते हैं अपन? वेस्ट ब्लॉक कोक्लियर नर्व। कौन सी नर्व होती है? वेस्ट ब्लॉक कोक्लियर नर्व होती है दोस्तों, 8 नंबर की क्रेनियल नर्व। आप पढ़ते हैं एंटी ट्यूबरकल थेरेपी स्ट्रेप्टोमाइसिन। वह ड्रग किसको इफेक्ट करती है? एक प्रकार की इम्यूनोग्लाइकोसाइड्स होती हैं। किसको इफेक्ट करती है दोस्तों? आपकी एर्थ क्रेनियल नर्व को इफेक्ट करती है, जिसका नाम है वेस्ट ब्लॉक कोक्लियर नर्व। ठीक है, तो कान में घंटी बजना ये सब स्टार्ट हो जाता है। तो हचिसन ट्राइड के अंदर ये तीन चीज़ होती हैं, हचिसन तीत, इंटरस्टिशियल केराटाइटिस, एट नर्व डीपनेस। इस तरह से तीत होते हैं, तो ये क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं आपके। आगे बढ़ते हैं, हाइट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हाइट, हाइट क्या होती है दोस्तों? सबसे पहले बात करेंगे लेंथ। जब बच्चा छोटा होता है, फर्स्ट 2 ईयर ऑफ लाइफ, स्टार्टिंग के जो 2 साल होता है बच्चा, तो वो सीधा खड़ा नहीं हो पाता। ठीक है, इस एकदम स्ट्रेट इरेक्ट नहीं खड़ा हो पाता है, इसलिए उसको लेटा के, ठीक है, सुपाइन पोजीशन में उसका क्या करते हैं अपन? लेंथ चेक करते हैं। किसी चीज़ का आप सुपाइन पोजीशन में किसी की चेक कर रहे हो तो वो लेंथ चेक कर रहे हो, और खड़ा करके इरेक्ट पोजिशन में चेक कर रहे हो तो वो आप हाइट चेक कर रहे हो। क्लियर है? तो ये एडजस्ट हो जाता है इस तरह से, ये एडजस्टेबल होता है इसके यहाँ पे लास्ट वाला एक तरफ का फुट प्लेट, और यहाँ पे इधर हेड रहेगा बच्चे का। क्लियर है? तो ये डिवाइस ऐसा है जिसका नाम है इन्फेंटोमीटर। इस डिवाइस का क्या नाम है? इन्फेंटोमीटर। ये 2 साल तक के बच्चे की लेंथ चेक करने के लिए सुपाइन पोस्चर में, ठीक है, अप टू 2 ईयर। नेक्स्ट है हाइट चेक करने के लिए। 2 साल से बड़े बच्चे के क्या करते हैं? हम हाइट चेक करते हैं। यहाँ पे बच्चा खड़ा हो जाएगा इसके नीचे, ठीक है, इस तरह से ये एडजस्ट हो जाता है, एक एक तरफ का पॉइंट एडजस्ट हो जाता है। इसमें भी ये एडजस्ट हो जाता है, ठीक है, इसमें ये क्या बोलते हैं, हेड वाला एडजस्ट हो रहा है, फुट वाला, और इसमें हेड वाला, इस तरह से एडजस्ट हो जाता है। नेक्स्ट है डिवाइस यूज टू मेजर हाइट, स्टीडियोमीटर। क्या कहते हैं इसको? स्टीडियोमीटर कहते हैं। इस तरह से याद रखना, स्टीडियोमीटर स्टैंड, खड़ा होकर यदि बच्चे का चेक कर रहे हैं तो स्टीडियोमीटर। स्टेडियोमीटर किससे संबंधित आ रहा है? स्टैंड से। ये एक तरह से स्टैंड जैसा लग रहा है ना आपको? तो 2 साल से बड़े बच्चे की अपन हाइट चेक करते हैं स्टेडियोमीटर के द्वारा। आगे बात करते हैं लेंथ और हाइट ऑफ चाइल्ड कितनी होती है नॉर्मली? 50 सेंटीमीटर, 45 टू 50 सेंटीमीटर क्या रेंज है? और अप्रोक्सीमेट यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कितनी होती है, आप राइट आंसर दोगे एक ही जवाब में, 50 सेंटीमीटर नॉर्मल लेंथ होती है एट बर्थ। ठीक है, कब? एट बर्थ। नेक्स्ट है इन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, शुरुआत का जब 1 साल होता है उस समय 25 सेंटीमीटर बढ़ती है। कहने का मतलब जन्म के समय 50 सेंटीमीटर लेंथ है बच्चे की, जब वो 1 साल तक होगा, जब उसका फर्स्ट बर्थडे आएगा तब तक वह किस कितनी सेंटीमीटर बढ़ेगी उसकी लेंथ? 25 सेंटीमीटर उसकी लेंथ इंक्रीज होगी। तो 1 साल पे कितना हो जाता है? 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर का बेबी का लेंथ हो जाएगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि 1 साल पे कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 75। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आया हुआ कितना, शुरुआत के जो 1 ईयर है उस समय कितनी सेंटीमीटर इंक्रीज होती है? तो 25 सेंटीमीटर इंक्रीज होती है। इन दिस सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर जब बच्चा 2 साल का होता है तो 10 से 15 सेंटीमीटर इंक्रीज होती है। तो 8 टू ईयर, 2 साल का हो जाएगा तो 75 के अंदर 10 से 15 ऐड कर दो तो आपका आंसर हो जाएगा 85 से 90 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब बात करें ये एज के अकॉर्डिंग सारी यहाँ पे आ गए। 8 बर्थ, 8 बर्थ कितनी है? 50 सेंटीमीटर। 3 मंथ्स पे 60, 9 मंथ पे 70, 1 ईयर पे हो गई देखो 25 इंक्रीज हो गई यहाँ से यहाँ तक इस पीरियड में, तो 75 सेंटीमीटर। 2 ईयर पे कितनी हो गई? 90 सेंटीमीटर। और 4 से 4.5 साल पे 100 सेंटीमीटर की हो जाती है क्या लेंथ, हाइट। फिर हाइट चेक करने लग जाते हैं अपन, तो 100 सेंटीमीटर की हाइट हो जाती है 4 साल के बच्चे की। तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं दोस्तों कि हाइट डबल कब होती है, हाइट ट्रिपल कब होती है। ये क्वेश्चन बहुत बेसिक्स क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं अभी। तो हाइट डबल हो गई देखो, यहाँ बर्थ पे 50 सेंटीमीटर है और 4 साल पे कितनी होगी? 100, 100 मतलब 50 की 100 हो गई, मतलब डबल हो गई। डबल कितने साल पे? 4 साल पे। ट्रिपल कब हो जाएगी? ट्रिपल बोले तो 150 सेंटीमीटर, ठीक है, 150 सेंटीमीटर कब हो जाएगी? 12 साल पे।
लिख लो यहाँ पे 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर हो जाएगी कब, 12 साल पे हो जाएगी, क्लियर है। ट्रिपल जिसे कहेंगे हम, ट्रिपल हाइट ट्रिपल कब होती है, 12 साल पे होती है 150 सेंटीमीटर। हाइट डबल कब होती है, 4 साल पे 100 सेंटीमीटर, क्लियर है। आगे बात करते हैं वेट के रिगार्डिंग, बर्थ वेट कितना होता है नॉर्मल इंडियन बेबी का, 2.8 से 2.9, ये ओपी गई में दिया हुआ है, ठीक है। 2.8 से 2.9 क्या है नॉर्मल वैल्यू है वेट की। नेक्स्ट है साल्टर स्केल, किसके लिए यूज़ किया जाता है, फॉर वेट मेजरमेंट, वजन को चेक करने के लिए। इस तरह से आंगनवाड़ी के अंदर क्या किया जाता है, रूरल एरियाज के अंदर इसको, ये क्या होता है, इजी टू हैंडल होता है, कहीं भी इसको ले जा सकते हैं, पोर्टेबल होता है, और इसके द्वारा क्या करते हैं अपन, वेट चेक करते हैं। तो साल्टर स्केल किस काम में आता है, वेट चेक करने के काम आता है। वेट से क्या करते हैं अपन, नॉर्मली बच्चे का ग्रोथ पता चलता है। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट आप जितने भी पढ़ रहे हैं उन सब में से जो सबसे ज़्यादा कॉमन, जिससे आप पता कर सकते हैं कि बच्चे के अंदर ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा, तो आप किससे पता करेंगे, वेट से। वेट एक ऐसी चीज़ है जिससे ये पता चल जाता है कि बच्चा ग्रोथ कर रहा है, बच्चा खा पी रहा है, बच्चे के लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब बर्थ वेट से रिगार्डिंग क्वेश्चन कौन कौन से आपके एग्जाम में आए हुए हैं, डबल के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ है कि बर्थ वेट डबल कब होता है, तो योर करेक्ट आंसर इज 5 मंथ्स। बर्थ ट्रिपल कब होता है, 1 ईयर, ऑन 1 ईयर, एट 1 ईयर बर्थ वेट इज ट्रिपल, 3 गुना हो जाएगा। 3 गुने का मतलब कितना हो जाएगा, अब आप ही देखो, 3 kg होता है बर्थ पे, डबल कब हो रहा है, 5 मंथ पे, 5 मंथ पे कितना हो जाएगा, 6 kg हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख दो 6 kg हो जाएगा, ठीक है, और 1 ईयर पे कितना हो जाएगा, 9 kg हो जाएगा, क्लियर है। अब क्वाड्रुपल, क्वाड्रुपल मतलब 4 गुना, 4 गुना कब हो जाएगा, 2 साल पे, ठीक है, 2 ईयर पे 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है लो बर्थ वेट, लो बर्थ वेट किसे कहते हैं, यदि बच्चे का वेट जन्म के समय 2.5 से कम हो, 2.8 से 2.9 क्या है नॉर्मल है, 3 किलो तक नॉर्मल है। यदि 2.5 kg से कम होता है बच्चे का जन्म के समय वजन, इसको 2500 ग्राम भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, 2.5 kg भी लिख सकते हैं, तो यदि उससे कम होता है तो लो बर्थ वेट बेबी कहेंगे। और ड्यूरिंग फर्स्ट वीक, जो शुरुआत के फर्स्ट वीक होता है बच्चे का, 7 दिन होते हैं, उस समय 10% वेट लॉस होता है, ठीक है। इन टर्म बेबी, टर्म बेबी कौन होते हैं, जो समय पे पैदा होते हैं 37 वीक से 42 वीक के बीच में। नेक्स्ट है फॉर प्री टर्म बेबीज, जो 37 वीक से पहले जिनका जन्म हो जाता है, बर्थ हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है, तो उनके अंदर 15% वेट लॉस होता है, ठीक है। तो ये सब फिजियोलॉजिकल वेट लॉस है, कैसे वेट लॉस है, ये फिजियोलॉजिकल, मतलब घबराना नहीं है मदर को, आपको रीअश्योर कर देना है। ऐसी कंडीशन में नर्सिंग एक्शन है, जैसे कि एक मदर है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि एक मदर है, वो अपने बच्चे को लेके आई है, उसके 7 दिन हुए हैं, और वो आपसे ये शिकायत लेके आती है कि इस मेरे बच्चे का वजन घट गया है, जबकि मैं इसको अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग कराती हूँ। तो आपको रीअश्योर करना है कि ये नॉर्मल है, ऐसा होता है, क्योंकि बच्चे की जो किडनी है वह वर्किंग कंडीशन में होती है इस समय, इस वजह से। नेक्स्ट है रीगेनिंग ऑफ बर्थ वेट, बर्थ वेट रीगेन कब होता है, दोबारा कब आता है, ये जो लॉस हो चुका है ये टर्म के अंदर तो 10 डे पे, और प्री टर्म में 14 डे पे ये वापस से रीगेन होने लग जाता है। मतलब आने वाले जो 10 दिन है उनमें, टर्म बेबी में तो आने वाले 10 दिन में रीगेन हो जाएगा, और प्री टर्म में आने वाले नेक्स्ट 14 डेज में रीगेन हो जाएगा। तो ये सभी के सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है वेट के रिगार्डिंग, अपने नोट्स में नोट डाउन कर लो। आगे बात करेंगे नियोनेटोलॉजी के बारे में, तो नियोनेटल पीरियड मैंने अब डिस्कस किया स्टार्टिंग में, फर्स्ट 28 डे ऑफ लाइफ क्या होता है, नियोनेट पीरियड होता है, ठीक है। अब अर्ली नियोनेट किसे कहते हैं, उसी समय आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि अर्ली नियोनेट लेट नियोनेट क्या होता है, तो अर्ली नियोनेट फर्स्ट 7 डेज ऑफ लाइफ, बच्चे के जो शुरुआत के 7 दिन होते हैं,
जिस समय वेट लॉस होता है, ठीक है, 10% प्री टर्म में, प्री टर्म में 15%, तो उस समय उसे कहते हैं अर्ली न्यूनेट पीरियड, ठीक है। डे ऑफ बर्थ लेस देन 7 कंप्लीटेड डेज, इसे कहेंगे अर्ली न्यूनेट पीरियड। नेक्स्ट है लेट न्यूनेट पीरियड, किसे कहेंगे? डे 7 से 28 डेज ऑफ लाइफ, 7 दिन से 28 दिन तक के पीरियड को लेट न्यूनेट पीरियड कहा जाता है। क्लियर है? आगे बात करेंगे क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू गेस्टेशनल एज, जेस्टेशनल एज, इरिस्पेक्टिव ऑफ बर्थ वेट। चाहे बर्थ वेट कुछ भी हो, ठीक है, बर्थ वेट कुछ भी हो, वो हम जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं यहाँ बच्चे का। टर्म, टर्म बच्चा किसे कहते हैं? बोर्न बिटवीन 37 कंप्लीटेड वीक्स टू लेस देन 42 गेस्टेशनल वीक्स, मतलब 37 से 42 वीक के बीच का पीरियड है यदि कोई जन्म होता है तो उसे टर्म कहते हैं। नेक्स्ट है प्री टर्म, किसे कहते हैं? बोर्न लेस देन 37 वीक्स, 37 वीक से पहले किसी का जन्म होता है तो उसे हम प्री टर्म बेबी कहते हैं। ऐसे बेबीज के अंदर लंग्स मेच्योर नहीं हो पाते हैं अच्छे से, तो उन्हें क्या देते हैं? हम स्टीरोड्स देते हैं ताकि उनके एटिलैक्टेसिस कंडीशन नहीं हो, रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम नहीं हो। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर पढ़ के जाना चाहिए एग्जाम से पहले। पोस्ट टर्म बेबी, पोस्ट टर्म बेबी किसे कहेंगे? बोर्न 8 और बियॉन्ड 42 वीक ऑफ जेस्टेशन, 42 वीक और 42 वीक के बाद में यदि कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो उसे कहते हैं पोस्ट टर्म बेबी। तो इस समय क्या होता है दोस्तों? एमनियोटिक फ्लूड भी कम हो जाता है, 200 ml पे आ जाता है। क्लियर है? आगे बात करेंगे अकॉर्डिंग टू बर्थ वेट। अब यहाँ तो जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग अपन ने पढ़ा, यहाँ बर्थ वेट के अकॉर्डिंग अपन पढ़ने वाले हैं। चाहे गेस्टेशनल एज कुछ भी हो, ठीक है, यहाँ पे था बर्थ वेट कुछ भी हो, ठीक है, अपन जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग ये अपन ने पढ़ा, टर्म, प्री टर्म, पोस्ट टर्म। यहाँ अपन बर्थ वेट के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर पढ़ते हैं लो बर्थ वेट LBW, यदि 2.5 kg मतलब 2500 ग्राम से यदि कम होता है तो उसे लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं। वेरी लो बर्थ वेट बेबी किसे कहते हैं? यदि 1500 से कम है, ये क्वेश्चन तीनों के तीनों क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आए हुए हैं, लेस देन 1.5 kg तो उसे कहेंगे वेरी लो बर्थ वेट बेबी। एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट किसे कहेंगे? एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा कम, लेस देन 1000 ग्राम, मतलब 1 kg से कम यदि बर्थ वेट है तो उसे एक्सट्रीमली कहेंगे। स्टार पॉइंट लगा लो, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने नोट्स में नोट डाउन कर लो या फिर रिवीजन करो। नेक्स्ट है जेस्टेशनल एज एंड बर्थ वेट के अकॉर्डिंग, आपने दो वर्ड पढ़े होंगे, एक तो लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज और लार्ज स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज, ये दो वर्ड आपने पढ़े होंगे अच्छे से। तो स्मॉल फॉर डेट भी, ये इस डी मतलब डेट, ठीक है, और स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज, यदि बर्थ वेट लेस देन 10% यदि रहता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं, देखो इस ग्राफ में जो नीचे वाली ये लाइन है, यहाँ पे देखो बच्चे का वेट कितना है, ये इधर ग्राम है, ग्राम लिखा हुआ है, इधर बच्चे का वेट लिखा हुआ है, इधर इधर जेस्टेशनल एज लिखा हुआ है, ठीक है। यदि 500 ग्राम, ये देखो 500 ग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, और ये धीरे 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 जैसे प्रेगनेंसी इधर बढ़ रही है, तो प्रेगनेंसी यहाँ पे मान लो 42 वीक पे कितना वेट हो रहा है इसका, ठीक है, तो 2500 ग्राम तक नॉर्मल की तरफ ये जा रहा है, ठीक है। यदि 10% से कम हो रहा है, ठीक है, यदि ये नीचे बन जाए ये लाइनिंग, तो उसे कहेंगे स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज। क्या कहेंगे इसको? स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज, कहने का मतलब जितनी उसकी जेस्टेशनल एज है उसके अकॉर्डिंग उसकी उसका वेट इंक्रीज नहीं हुआ है, ठीक है, उसकी ग्रोथ नहीं हुई, स्मॉल है, जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग वो स्मॉल है, IUGR बेबी है, कि उसकी जो इंट्रायूटरिन ग्रोथ है वो नहीं हुई है। क्लियर है? नेक्स्ट है और अप्रोप्रिएट फॉर डेट या अप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज किसे कहेंगे? जो इस 10% और 90% के बीच में रहेगा, तो ये ब्लू कलर है यहाँ पे लिखा हुआ है अप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज, ठीक है। तो बर्थ वेट इज बिटवीन 10 और 90% ऑफ एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू एज। क्लियर है? तो इसे कहेंगे अप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज।
नेक्स्ट है लार्ज फॉर जेस्टेशनल डेट या लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज किसे कहेंगे, बर्थ वेट मोर देन 90% ऑफ एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू जेस्टेशनल एज। कहने का मतलब जब बच्चा बच्चे जब 42 वीक पे बच्चा डिलीवरी हो रहा है और वो कितने किलो का हो रहा है, 3 किलो से ज़्यादा का वो जन्म ले रहा है, ठीक है, इट मीन्स वो किस में आ जाएगा, लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज में आ जाएगा, क्योंकि उसका वजन कितना हो जाएगा, 4 किलो हो जाएगा और वह मैक्रोसोमिया बेबी कहलाएगा। कौन सा, यदि बच्चे का वेट बर्थ के समय 4 kg है तो उसे क्या कहेंगे, मैक्रोसोमिया, मतलब उसकी साइज बहुत बड़ी है, नॉर्मल होनी चाहिए 3 kg तक, अकॉर्डिंग टू इंडियन बेबी 3 kg तक नॉर्मल होनी चाहिए, क्या चीज़, वेट, ठीक है। और वेट यदि 4 kg हो रहा है जन्म के समय, इट मीन्स वो मैक्रोसोमिया बेबी है। मदर को डायबिटीज़ हो सकती है, इस वजह से बच्चे के अंदर क्या होता है, इंसुलिन ज़्यादा बनता है। मैक्रोसोमिया बेबी किस में देखने को मिलता है, डायबिटिक मदर में देखने को मिलता है, जिनके डायबिटिक मदर होती है तो डायबिटिक मदर के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा है, उस वजह से बच्चे के अंदर इंसुलिन ज़्यादा बनता है। और इंसुलिन क्या अगर है, इंसुलिन एक प्रकार का ग्रोथ हार्मोन है, तो बच्चे की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से बच्चे का वेट ज़्यादा हो जाता है, क्लियर है। और आई ये स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज या फिर स्मॉल फॉर डेट, इसमें क्या होगा, 10% से कम। कहने का मतलब है जैसे 42 वीक की प्रेगनेंसी हो गई, बच्चे का वेट कितना देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा, 25 लो बर्थ वेट हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में क्या है, उसके अंदर ऑर्गन भी अच्छे से नहीं बनेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे नॉर्मल ट्रम, यदि कोई बच्चा ट्रम पे हो रहा है, ट्रम न्यूनेट है, उसके अंदर आप ये सब चीज़ें चेक करना चाहिए, आपको आना चाहिए नॉर्मल पॉइंट सारे के सारे। बर्थ वेट कितना होता है ट्रम पे, 2.8 से 2.9 केजी होता है, गई के अंदर दिया हुआ है 2.9 kg। लेंथ कितनी होती है बर्थ पे, जब यदि ट्रम बेबी हो रहा है तो 50 cm लेंथ होनी चाहिए। अपर और लोअर सेगमेंट रेशियो कितना होता है, 1.7 से 1.9 रेशियो 1, ठीक है, 1.7 से 1.9 रेशियो 1, क्लियर है, अपर और लोअर सेगमेंट रेशियो चेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हेड सर्कमफेरेंस 33 से 35 cm होना चाहिए। नेक्स्ट है हार्ट, ये हेड सर्कमफेरेंस है 33 से 35, क्लियर है, और चेस्ट सर्कमफेरेंस कितना होगा, 32, कम हो जाएगा। नेक्स्ट है हार्ट रेट 120 to 140, या फिर आपके आंसर ये भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है ऑप्शन में, 110 से 160, ये दोनों क्या नॉर्मल है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी रेट 40 to 60 per minute, नॉर्मल बेबी की रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है, 40 to 60 per minute। नेक्स्ट है टेम्परेचर की बात करें तो 36.5 to 37.5, 36.5 to 37.5 degrees Celsius क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है बेबी का। बेबी का टेम्परेचर चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके अंदर हाइपोथर्मिया के चांस होते हैं। हाइपोथर्मिया क्या, एक साइलेंट किलर है, बेबी के अंदर पता भी नहीं चलेगा कब वह स्ट्रेस में चले जाए और उसकी डेथ हो जाए। नेक्स्ट है बीपी, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर कितना होता है बच्चे का नॉर्मल, जब बच्चा पैदा होता है उस समय 60 to 40 mmHg, मतलब सिस्टोलिक होता है 60 और डायस्टोलिक होता है 40, ये डबल हो जाता है एडल्ट के अंदर। एडल्ट के अंदर 60 का 120 हो जाएगा और 40 का 80 हो जाएगा, ठीक है, डायस्टोलिक 80 होता है, सिस्टोलिक 120 होता है एडल्ट के अंदर, जबकि न्यूबॉर्न के अंदर 60/40 होता है। अब शुगर, ब्लड ग्लूकोज लेवल की बात करें तो 40 से 60 कर दो इसको, ठीक है, 40 से 60 होता है, क्या चीज़, ग्लूकोज लेवल 40 to 60 mg/dL होता है ग्लूकोज लेवल बच्चे का, क्लियर है, यहीं लिख लो आप कि ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता है, तो 40 to 60, अगर 40 से कम हो जाएगा तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, 60 to 70 से ज़्यादा हो जाएगा तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट है कैपिलरी फिलिंग टाइम, कैपिलरी फिलिंग टाइम, जब बच्चे को आप पिंच करके देखोगे स्टर्नम के यहाँ से, ये कैपिलरी फिलिंग टाइम कब चेक करते हैं, बच्चे का सर्कुलेशन चेक करने के लिए, बच्चे के अंदर ब्लड सप्लाई अच्छे से हो रही है नहीं हो रही है, बच्चा सोक में तो नहीं जा रहा है, बच्चे की फ्लूड रिक्वायरमेंट अच्छे से हो रही है नहीं हो रही है, इस चीज़ को पता करने के लिए कैपिलरी फिलिंग टाइम चेक करते हैं। देखो कैपिलरी का मतलब क्या होता है, जहाँ आर्ट्रियोल और वेन्योल दोनों मिलते हैं, जालीनुमा संरचना बन जाती है,
तो उसको क्या कहते हैं अपन, कैपिलरी कहते हैं, ठीक है। गुच्छा होता है एक जाली जैसा, जहाँ पे क्या होता है गैसेस का एक्सचेंज होता है, उसे कैपिलरीज कहते हैं। तो वहाँ से यदि आप पिंच करोगे, पिंच करने के बाद में आप वापस से उस प्रेस, वहाँ से उस थंब को हटाओगे, तो वहाँ पे अगर कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, यदि येलोइस पेल पेल का यदि पेल रहता है, तो इट मीन्स उसके अंदर ज़्यादा समय ले रहा है, ठीक है, कैपिलरी फिलिंग टाइम ज़्यादा ले रहा है। नॉर्मल होता है कैपिलरी फिलिंग टाइम लेस देन 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के अंदर अंदर यदि आप कहीं से प्रेस कर रहे हैं बच्चे को, तो उसका जो ब्लड है वो वापिस आना चाहिए, ठीक है, वापिस से वहाँ पे पिंक हो जाना चाहिए। यदि वहाँ पे पेल कलर का रह रहा है, इट मीन्स ज़्यादा समय ले रहा है। तो स्टनम, स्टनम किसे कहते हैं, इसको क्या किस नाम से जानते हैं, और ब्रेस्ट बोन के नाम से भी जानते हैं स्टनम को, ठीक है। तो यहाँ से अपन प्रेस करके देखते हैं थंब से, थंब की सहायता से, यदि 3 सेकंड के अंदर अंदर वहाँ पे पिंकिश कलर हो जाता है, इट मीन्स बच्चे का कैपिलरी फिलिंग टाइम नॉर्मल है, बच्चे का फ्लूड स्टेटस नॉर्मल है, सर्कुलेशन अच्छे से हो रहा है। तो बच्चे के अंदर ये सारे के सारे टर्म नियोनेट यदि है, तो ये सब के सब पैरामीटर नॉर्मल आएंगे। क्लियर है दोस्तों? तो इस क्लास को रेपिडली आप हर एग्जाम से पहले जरूर वॉच करें। थैंक यू। आगे बात करते हैं प्यूबर्टी और एडोलसेंस के बारे में। प्यूबर्टी जब बच्चा एडोलसेंट एज में आता है, तो ये कौन सा पीरियड होता है, चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। एडोलसेंट और प्यूबर्टी कौन सा पीरियड, टाइम पीरियड होता है, चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का समय होता है प्यूबर्टी, कहते हैं ना ना समझ वाला टाइम पीरियड, ठीक है। इस समय कुछ भी कर सकता है इंसान, कुछ समझ में नहीं आता, इस समय समझाने की जरूरत होती है बहुत ज़्यादा। प्यूबर्टी रेफर्स टू फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ एडोलसेंस। प्यूबर्टी का मतलब होता है जब बच्चा एडोलसेंस एज में होता है, 12 से 19 साल की एज में होता है, उस समय उसके अंदर जो फिजिकल एस्पेक्ट होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। प्यूबर्टी में यदि फीमेल है, तो उसके अंदर प्यूबर्टी का सबसे पहला साइन क्या होगा, उसके अंदर ये सब बातें हम इस क्लास में बात करने वाले हैं, ठीक है। WHO की जो डेफिनेशन है, WHO कर लो इसको, बड़ा ओ कर लो, WHO डेफिनेशन है एडोलसेंस की, कितनी है, 10 से 19 साल एडोलसेंस कहलाता है। नेक्स्ट है अर्ली एडोलसेंस किसे कहेंगे, 10 to 13 ईयर। मिड एडोलसेंस किसे कहेंगे, 14 to 16 ईयर। और लेट एडोलसेंस किसे कहेंगे, 17 से 19 साल के बच्चे को क्या कहेंगे, लेट एडोलसेंस। जब बच्चा 12वीं क्लास में होता है, तो लेट एडोलसेंस के समय होता है। क्लियर है? अब बात करेंगे सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इन प्यूबर्टी इन फीमेल्स। फीमेल्स के अंदर किस तरह से प्यूबर्टी के समय परिवर्तन आते हैं, शरीर के अंदर चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले आते हैं थैलार के ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट विजिबल साइन होता है प्यूबर्टी का। प्यूबर्टी का जो फर्स्ट विजिबल साइन होता है वो कौन सा होता है, थैलार के होता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट। नेक्स्ट है प्यूबार के, प्यूबिक हेयर्स आने लग जाते हैं, तो प्यूबार के कह दिया। ग्रोथ स्पर्ट, बच्चे बच्चे की हाइट, फीमेल की हाइट बढ़ने लग जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट है मेनार के, मेनार के लास्ट साइन है, प्यूबर्टी का लास्ट साइन है मेनार के। मेनार के का मतलब होता है ऑनसेट ऑफ मेंसुरल साइकिल। फर्स्ट जो मेंसुरल साइकिल होती है किसी भी फीमेल के अंदर, फर्स्ट मेंसुरल साइकिल होती है, उसे क्या कहते हैं, मेनार के कहते हैं। ये लिख लेना यहाँ पे, जो फर्स्ट मेंसुरल साइकिल होती है, फर्स्ट मेंसुरल साइकिल से क्या कहते हैं, मेनार के, फर्स्ट मेंसुरल साइकिल। क्लियर है? मेनार के। आगे बात करेंगे, ये क्वेश्चन इस तरह से, ये सीक्वेंस पूछी जाती है एग्जाम में दोस्तों। ये चार ऑप्शन के अंदर इन चारों को पॉइंट को आगे पीछे कर देगा और आपसे पूछ लेगा सही सीक्वेंस बताओ। तो ये सीक्वेंस है प्यूबर्टी की फीमेल के अंदर, तो आपको इस तरह से याद रखना है। इसमें दा, थैलार के में दा आ रहा है तो दा, प्यूबार के में पब आ रहा है तो पब, ग्रोथ में जी आ रहा है तो जी याद रख लो, और मेनार के में मैन आ रहा है, ठीक है, तो दा पब जी मेन, ठीक है। तो पबजी गेम खेला होगा आपने, तो दा पब जी मेन, इस तरह से खेला नहीं तो सुना तो होगा कि पबजी मेन पबजी मेन, तो दा पबजी मेन करके सीक्वेंस याद रख सकते हैं। एग्जाम में सीक्वेंस आई हुई है, एम्स पटना के अंदर ये एग्जाम हुआ था 2020 के अंदर, तब ये पूछा गया था सीक्वेंस, और भी काफ़ी एग्जाम में आया हुआ है, आता ही रहता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, तो ये 2 से 2.5 साल के अंदर ये चेंजेस हो जाते हैं, ये जो सारे के सारे चेंजेस हैं ब्रेस्ट डेवलपमेंट से लेके मेनार
तक का जो समय है ये 2.5 साल, 2 से 2.5 साल के अंदर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। नेक्स्ट है सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इन प्यूबर्टी इन मेल्स। मेल्स के अंदर जो प्यूबर्टी की जो सीक्वेंस है वह क्या होती है? सबसे पहले मेल्स के अंदर टेस्टिकुलर इनलार्जमेंट होते हैं। क्या होते हैं? टेस्टिकुलर इनलार्जमेंट होते हैं, टेस्टिस बढ़ते हैं, सबसे फर्स्ट साइन होता है मेल्स के अंदर। फिर है पेनाइल इनलार्जमेंट होता है, प्यूबिक हेयर्स आ जाते हैं, प्यूबिक मॉन्स प्यूबिस के यहाँ पे हेयर्स, जैसे फीमेल के अंदर मॉन्स प्यूबिस होता है, मेल के अंदर प्यूबिक बोन होती है, वहाँ पे हेयर्स आ जाती हैं, ग्रोथ स्पर्ट होने लग जाता है, हाइट बढ़ने लग जाती है, एक्जिलरी हेयर आने लग जाते हैं और फेशियल हेयर, दाढ़ी मूछ आ जाती है लास्ट में। तो ये समय ये सारी की सारी सीक्वेंस है किसके अंदर? मेल के अंदर प्यूबर्टी की। और डीपनिंग और राइपनिंग ऑफ वॉइस, वॉइस भी डीप होने लग जाती है, राइपनिंग होने लग जाती है। और ये एक ऑर्किडोमीटर है, इस डिवाइस को क्या कहते हैं? ऑर्किडोमीटर कहते हैं। ये बच्चे की, जो छोटा बच्चा होता है उसके टेस्टिस की साइज चेक करने के काम आता है। तो एडल्ट के अंदर इस साइज के टेस्टिस हो जाते हैं, जो ये इधर बड़े वाले ये गोले दिख रहे हैं इतने, ठीक है? तो इसको ऑर्किडोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्किडोमीटर, लिख लो यहीं पे ORCHIO, ओरक्यो। ओरक्यो वर्ड किसके लिए यूज करते हैं अपन? टेस्टिस के लिए। और ऊफ्रो वर्ड ओवरी के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट बात करेंगे। ये हो गया दोस्तों। दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और थैंक यू सो मच एवरीवन।